नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। शाहरुख खान और काजोल की ब्लॉकबस्टर फिल्म डीडीएलजे का क्रेज आज भी उतना ही है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक रही है। 1995 में आई फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के राज और सिमरन किरदार ने करोड़ों फैंस को दीवाना बना दिया था। 28 साल बाद भी इस फिल्म का क्रेज लोगों में बरकरार है। इसी क्रेज को देखते हुए 28 साल बाद इस फिल्म को दोबारा रिलीज करने का फैसला लिया गया। बड़े पर्दे पर एक बार फिर डीडीएलजे को रिलीज करते ही ऑडियंस की 28 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। महज 3 दिन में ही फिल्म ने लाखों की कमाई कर ली है। शाहरुख और काजोल की फिल्म दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे को 10 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। पहले दिन इसने 2.5 लाख रुपए की कमाई की और अगले दिन इसमें बड़ा मुनाफा देखा गया। बीते दिन फिल्म ने थिएटर में 10 लाख रुपए का बिजनेस किया है। कहा जा रहा है कि तीसरे दिन भी फिल्म का बिजनेस 10 लाख रुपए तक का हो सकता है, यानी कि 3 दिनों में इसकी कुल कमाई 22 लाख रुपए होगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म को फिर से रिलीज करने में सबसे ज्यादा फायदा वैलेंटाइन डे को होने वाला है। माना जा रहा है कि फिल्म 14 फरवरी को 20 लाख रुपए तक का बिजनेस कर सकती है। कुल मिलाकर इस वैलेंटाइन वीक में ये फिल्म 60 लाख रुपए तक की कमाई कर लेगी। ये फिल्म लिमिटेड सिनेमाघरों में ही रिलीज हो रही है, लेकिन इसे खूब फायदा मिल रहा है।